दोस्तों अक्सर हम चाय को ज़्यादा ज़्यादा देर तक उबालते हैं ये सोच के कि हमें ज़्यादा स्वाद आएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनेगी, मेहमान भी खुश होंगे और हमें भी अपने आप को बढ़िया स्वाद देने में मज़ा आएगा। लेकिन आप क्या जानते हैं, इस चाय बनाने का सही तरीका नहीं है। चाय ज़्यादा देर तक उबालने में हमें ढेर सारी दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे पेट में गैस, जैसे हमारा शुगर लेवल बढ़ जाना। तो दोस्तों आपको ये सारी मुसीबतें ना हो, पेट में गैस ना हो, चाय को कभी भी ज़्यादा देर तक उबालना नहीं चाहिए। दोस्तों दरअसल मुद्दे की बात यह है कि चाय में एक टैनिन नाम का पदार्थ रिलीज होता है जब हम इसे ज़्यादा देर तक उबालते हैं। चाय को ज़्यादा देर तक उबालने की वजह से टैनिन नाम का जो ये एक पदार्थ होता है रिलीज होने की वजह से हमारे पेट की एसिडिटी को भी बढ़ाता है, पेट में गड़बड़ी रहती है, कब्जी हो सकती है, समय पे हो सकता है पेट भी फ्रेश ना हो सके। तो चाय बनाने का फिर आप सब सोच रहे होंगे क्या सही तरीका है, कैसे बनाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारे पेट में एसिडिटी तो बढ़ाता ही है, साथ में हमारा वेट भी बढ़ा सकता है। और लगभग अगर हमने 3 से 4 बार दिन में चाय पी ली तो कितनी ज़्यादा एसिडिटी बढ़ा सकता है। और एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम ज़्यादा खाएंगे नहीं तो हमारे पेट में, शरीर में तेजाब भी बन सकता है, उससे क्या होगा, मोटापा भी घट सकता है। तो हमें मोटापा भी नहीं बढ़ाना, पेट में एसिडिटी भी नहीं रखनी और हमें चाय तो स्वादिष्ट चाहिए। तो उन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए कि मैंने सोचा आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना देता हूँ, आपको बताया जाए कि चाय में दोस्तों हम जो तरीका फॉलो कर रहे हैं वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ तरीका नहीं है। चाय का इजाद अंग्रेज़ों ने करा था, लेकिन हम चाय को कभी बिस्किट कभी नमकीन के साथ खाते हैं। पहले ही इसमें चीनी होती है जो हमारे वेट को बढ़ा सकती है, हमारी एसिडिटी को बढ़ाती है, साथ ही में हम इसमें बिस्किट नमकीन लेके शरीर का ऑयल भी बढ़ाते हैं, फैट्स भी बढ़ाते हैं और मोटापा भी बढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं देर तक उबालते हैं, सोचते हैं इसी से स्वाद आएगा, लेकिन अंग्रेज़ों ने जो चाय का बनाने का तरीका बनाया था, चाय का इजाद तो उन्होंने करा लेकिन चाय का तरीका हम सभी ने अपना बना लिया, जिसमें हम दूध डाल देते हैं, चाय पत्ती डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं और उसको देर कर रख के उबाला दिला के भूल जाते हैं और सोचते हैं इससे स्वाद बढ़िया आएगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, चाय उबालने का ये एक सही तरीका नहीं है क्योंकि इससे हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ सकती है, टैनिन नाम का पदार्थ है। ये सारी बातें तो मैंने आपको बताई, लेकिन अब आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा बार बार कि फिर हम क्या करें, कैसे चाय को बनाएं कि हमारे को पेट में एसिडिटी ना हो, मोटापा ना बढ़े। क्योंकि अगर हमने 3-4 बार दिन में ऐसे चाय पी ली तो 4-5-6 चम्मच तो चीनी भी शरीर में चली गई, मोटापे का घर जिसे हम कहते हैं, अगर आपको अगर चीनी से दिक्कत है तो। साथ ही में दोस्तों एसिडिटी भी 3-4 बार चाय के रूप में पेट में चली गई, इसका मतलब क्या है, ये हमारा पूरे दिन भर का डाइजेशन बिगाड़ सकती है कहीं ना कहीं। तो असली रूप क्या है, वही आपके मन में सवाल है। और क्या आप देर देर तक चाय पत्ती के साथ चाय को नहीं उबालना चाहिए, और ऐसा क्यों टी बैग्स होते हैं विदेशों में, क्यों यहाँ पे भी टी बैग्स हुआ करते हैं, और टी बैग्स का क्या डिफरेंस होता है, सिग्निफिकेंस होता है कि हम ऐसी चाय ना उबालें, टी बैग्स में क्या फ़र्क होता है जो इस चाय में फ़र्क नहीं होता, वो सारी विशेष बातें मैं इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और यही बताऊंगा कि एक सही तरीका जो मैं फॉलो करता हूं मेरे लिए, जिससे मेरे को एसिडिटी कंट्रोल की जाती है, मैं एसिडिटी को अपनी कंट्रोल करता हूं, उसमें मैं अब आपको बताता हूं मुझे क्या करना है। दोस्तों चाय पत्ती को देर तक नहीं उबालना है, चाय पत्ती को देर तक उबालना नहीं है, चीनी को चाय पत्ती में डालना है, थोड़ा कम डालना है अगर आपको थोड़ा मोटापा बढ़ता है चाय से, दूध में भी बेहद ज़्यादा फैट होता है, 4-5 बार अगर हमने 100 ml ही दूध लिया तो लगभग हमने 400-500 ml दूध ले लिया, मतलब वो भी फैट है। आप चाय बनाते वक्त क्या कीजिए, कैटल में पानी लीजिए, दूध डालिए सिर्फ नाम मात्र का, अगर फैट की दिक्कत है तो। मैं इसमें सिर्फ 3 से 4 या फिर कह सकते हैं 4 से 5 चम्मच दूध डाल रहा हूँ, इसका मतलब बहुत ही मिनिमम दूध के रास्ते से फैट मेरे शरीर में गया। मैंने अभी तक चाय पत्ती नहीं डाली है, ध्यान रखना, और चाय पत्ती कहाँ डालूंगा वो भी आपको विशेष रूप से बताऊंगा। हमने अच्छे से इसको घुमाया और पूरा बॉयल दिलाना है। अब आप इसी बॉयल के वक्त चाहें तो जैसे आप दालचीनी डालते हैं, काली मिर्च डालते हैं, कोई लोग अदरक डालते हैं, कोई भी आप चीज़ पसंद करते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं, साथ ही में आप चीनी भी इस स्टेज पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अगर मोटापे का कोई बात है तो मैं सिर्फ 1/2 चम्मच चीनी ऐड करने वाला हूँ, पूरा चम्मच भी ना करें। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी चीज़ें हम चाय में डालना पसंद करते हैं, जैसे कि अदरक हो गई, दालचीनी हो गई, इलायची हो गई, लौंग हो गई, आप उनमें से अपनी, जैसे मुझे अदरक पसंद है तो मैंने इसमें अदरक डाली, और इसको पूरा बॉयल दिलाना है अच्छे से। चाय पत्ती अभी तक नहीं डाली है, सिर्फ दूध को बॉयल करना है, प्रॉपर तरीके से बॉयल करना है, कहीं भी बिल्कुल भी ऐसे ना लगे कि ठंडा हो गया, पानी दूध का मिश्रण बॉयल हो चुका, और आपने देखा ही था दूध हमने डाला ही कितना है, तो इसको प्रॉपर बॉयल हमने दिला दिया। दोस्तों इसमें पूरा अदरक का फ्लेवर आ चुका है, दूध और पानी हमें गर्म मिल चुके हैं। अब सबके घर पे टी बैग्स तो नहीं होते, उस सूरत में वो क्या करें, कैसे करें, जैसे फटाफट से आपके सामने ये बॉयल आ रहा है फ्रेंड्स,
अब हम क्या करेंगे, इसको फटाफट से हल्का सा घुमा के अदरक निकाल देते हैं और अदरक का रस हमने इस दूध में ले लिया। अब चाय पत्ती को अलग से डालते हैं। इससे क्या हुआ, हमने चाय पत्ती को देर तक नहीं उबाला तो जो टैनिन नाम का पदार्थ था जिसकी वजह से एसिडिटी होती भी है वो खेल ही नहीं कर पाया अपना। हमने सिर्फ गर्म पानी में हल्की सी चाय को घुमाया, पूरा कलर दे दिया, आपका स्वाद दे दिया। पहले भी दूध हमने इसलिए डाला था 3-4 चम्मच ताकि हम चाय का रूप दे सके, कलर दे सके जो आप चाहते, इसलिए वो लोग मिल्क पाउडर डाल लिया करते थे। बस आपने इसको चाय को ऐसे अच्छे से उबाल लेना है और फिर इसको छान लें। अब आपके मन में सवाल आएंगे, आपके कमेंट्स आएंगे, भाई हम तो ऐसे ही पीते रहेंगे आपसे, आप हमें क्यों समझा रहे हो ये वो। दोस्तों तो मैंने अपने एसिडिटी पेट की ऐसे कम करी, मैंने मोटापा ऐसे कंट्रोल करा, आपकी मर्जी है आप चाहें तो। मैं तो इसको ऐसे पीता हूँ, ये बिल्कुल टी बैग वाला काम हुआ, हल्की सी नॉर्मल कच्ची चाय पत्ती डाली, घुमाई और छान के पी गए। इससे क्या हुआ, हमने चाय पत्ती को ज़्यादा नहीं उबाला, टैनिन नाम के पदार्थ को ज़्यादा नहीं उबाला, कैफीन ज़्यादा नहीं लिया और आराम से हेल्दी चाय की क्रेविंग भी पूरी हो गई। और कहते थे कि चाय को खाली पेट नहीं लेना चाहिए, वो इसी वजह से लेते थे कि इसका तेजाब शरीर में ना बने। इसको तो आप सिर्फ मैजिक बिस्किट के साथ भी लेंगे तो इतनी लाइट है चाय, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं चलता हूँ, प्लीज़ हमारे पेज को जरूर फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स।